इमेजिन कीजिए आप अगले साल माउंट एवरेस्ट समिट करने वाले हैं। आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी? एक बर्फ से ढका पहाड़, शहर की भीड़ से दूर शांत जगह और चंद लोग। पर माउंट एवरेस्ट की रियलिटी आपकी इमेजिनेशन से बहुत डिफरेंट है और आज की इस वीडियो में जानेंगे क्यों। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पिक्चर के साथ। ये पिक्चर है माउंट एवरेस्ट की। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एवरेस्ट पर लोगों की लंबी लाइन। 1953 में जब एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार एवरेस्ट समिट किया था, तब से आज तक 23,917 अटेम्प्ट्स और 10,050 एवरेस्ट समिट किए जा चुके हैं। 1963 में एवरेस्ट टॉप तक पहुंचने वाले केवल 6 लोग थे, जो कि 2019 में बढ़कर 891 हो गए। नेपाल गवर्नमेंट 10,000 से $100,000 में एवरेस्ट चढ़ने का परमिट देती है और जिसके बाद हजारों लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचते हैं और उनमें से बहुत से लोग एवरेस्ट समिट भी करते हैं। तो समिट सीजन में माउंट एवरेस्ट में इस तरह की भीड़ देखना नॉर्मल है। एवरेस्ट में होती ओवरक्राउडिंग माउंटेनियर्स के लिए चिंता तो ज़रूर है, पर इससे माउंटेनियर्स के जोश में कोई कमी नहीं दिखती, बल्कि ये भीड़ हर साल बढ़ती जाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में एवरेस्ट सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एवरेस्ट में ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, पर हिमालय में इससे भी खतरनाक पर्वत हैं जहां जान का जोखिम एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। एवरेस्ट में डेथ टू समिट का रेशियो 1:33 है, जबकि इससे कई ज़्यादा जानलेवा दूनापूर्णा पर्वत है जिसका हाइएस्ट डेथ रेट है। दूनापूर्णा में 98 लोगों ने आज तक अटेम्प्ट किया और उनमें से केवल 2 लोग उस समिट को पूरा कर सके और 5 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवा दी। एवरेस्ट में अब तक 291 डेथ्स हो चुकी हैं। अक्सर इन डेथ्स का रीज़न एवलांच या फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है, पर पिछले कुछ सालों में ओवरक्राउडिंग को भी बहुत सी डेथ की वजह माना जाता है। ओवरक्राउडिंग की वजह से माउंट एवरेस्ट में समिट के रास्ते में माउंटेनियर्स को 2 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे उनमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और एग्जॉस्टन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। 2019 में माउंट एवरेस्ट समिट पर 11 लोग मर गए, जिनमें से 5 लोगों की डेथ की वजह ओवरक्राउडिंग को कहा जा सकता है। इन ट्रैफिक जाम्स की सबसे बड़ी वजह है एवरेस्ट समिट की टाइमिंग। फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हवाएं किसी भी इंसान की जान ले सकती हैं। लेकिन हर स्प्रिंग में कुछ हफ्तों के लिए माउंट एवरेस्ट की हवाएं शांत होती हैं और इसका फ़ायदा उठाने के लिए हज़ारों माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। रिस्क को कम करने के लिए सभी एक्सपेडिशंस इसी शॉर्ट विंडो के लिए किए जाते हैं और माउंट एवरेस्ट पर ओवरक्राउडिंग की यही मेन वजह है। May 23, 2019 को एवरेस्ट ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया, जब एक दिन में 344 लोगों ने एवरेस्ट सबमिट किया। ये साफ दिखाता है कि फेवरेबल एटमॉस्फेयर की इस छोटी सी विंडो में सभी माउंटेनियर्स एवरेस्ट समिट का अपना सपना पूरा कर लेना चाहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन इम्पोज किया गया और इस लॉकडाउन में पर्यावरण में बहुत चेंजेस देखे गए, पर जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटने लगी हैं वैसे ही दोबारा वही हाल हो गया है। डॉन हॉलिस माउंटेनियरिंग को एक खेल के रूप में 18वीं और 19वीं सदी का आविष्कार मानते हैं। 18वीं सदी से पहले पर्वतों को नेशनल प्राइड के साथ नहीं जोड़ा जाता था, पर नेशनल प्राइड के साथ जुड़ने के बाद माउंटेनियरिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। एंड दिस मॉडर्न रोमांस फॉर माउंटेन्स इज द रीज़न फॉर द मैस एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ट्रैफिक जाम एवरेस्ट का एकमात्र मुद्दा नहीं है। कई टन कचरे को साफ करने के प्रयासों के बावजूद खाली ऑक्सीजन बॉटल्स और छोड़े गए गेयर वहीं पड़े रहते हैं। इसके अलावा एक इफ़िशियंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कमी की वजह से दशकों से यहां कचरा जमा होता रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला लाशों का दृश्य है, जिन्हें हटाना बेहद मुश्किल काम है। पर्वतीय पर्यटन यानी कि माउंटेन टूरिज़्म भी एवरेस्ट के बिगड़ते इन्वायरमेंट में एक चुनौती है। पहाड़ पर चढ़ने वाले अभियानों के अलावा बहुत से ट्रैकर्स हर साल हिमालय में आते हैं।
एवरेस्ट क्षेत्र में 35,000 से अधिक पर्यटक हर साल जाते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप एक विश्व स्तरीय ट्रैकिंग मार्ग बन गया है और आज के व्यस्त पर्यटक पर्वतीय क्षेत्र में भी तेज, अधिक आरामदायक सेवाओं की मांग करते हैं। इस भीड़ की जरूरतों के लिए हिमालय क्षेत्र में लॉन्च व होटलों के निर्माण से पर्वतीय क्षेत्र में प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि हमें अपनी पसंद पर सवाल उठाने चाहिए। पिछले महीनों में हम सभी ने कॉमन गुड के लिए पर्सनल चॉइसेस को छोड़ा है। यदि आप पहाड़ों को प्रेम करते हैं और इन पहाड़ों पर कदम रखना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा आप कौन कौन सी चॉइसेस को गिवअप करने के लिए तैयार हैं। क्या आप इन स्थानों में फुटफॉल को सीमित करने के लिए तैयार हैं जिससे हिमालय में कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। एवरेस्ट को बचाने के लिए हमें मूल हिमालयी आबादी से सीखने की ज़रूरत है जो सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट को ब्रह्मांड की देवी मानते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।